आई बाज स्टिल थी, मैं अभी तक चोर था। वैन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, यद्यपि केवल 15 साल का था। आई बाज एन एक्सपीरियंस एंड वेरी सक्सेसफुल है। मैं कुशल और कुशलता सफलता से अपने हाथों को चलाता था अथवा चोरी करता। अनिल वाज वॉचिंग ए रेस्लिंग मैच। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अप्रोच में पहुंचना, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वाज अबाउट 25, वह 25 साल का था। ए टॉल लीन फेलो, लीन फेलो दुबला पतला, एक लंबा और दुबला पतला प्राणी। And he looked easy going, kind and simple enough for my purpose. और वह ऐसा दिखाई देता था जो मेरे उद्देश्य के लिए साधारण था। I hadn't had much luck of late. मैं अपने भाग को देरी नहीं करना चाहता था। And thought, और सोचा, I might be able to get into the young man's confidence. कि मैं इस नौजवान के विश्वास को पाने में समर्थ हो सकता हूं। यू लुक ए बिट ऑफ रेस्टलर योरसेल्फ, तुम भी थोड़े कुश्ती करने वाले दिखाई देते हो। आई सेड, मैंने कहा, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग प्लान। फ्लैटरी चापलूसी, एक छोटी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती। So do you, इसलिए तुम भी। He replied, उसने उत्तर दिया, which put me off for a moment, जिसने मुझे कुछ क्षण के लिए अलग रख दिया। Because at that time, क्योंकि उस समय, I was rather thin, मैं दुबला था। Well, अच्छा। I said modestly, विनम्रता से, शिष्टाचार से। अच्छा, मैंने शिष्टाचार से कहा, आई डू रेस्टल रेबिट, मैं भी थोड़ी कुश्ती करता हूं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह। आई लाइक, मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैंने प्रत्येक महीने नए नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय, फॉर्मर एम्प्लॉय भूतपूर्व नियोक्ता, जो मुझे पुलिस और भूतपूर्व नियोक्ता से बचाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय कर, इस परिचय के बाद में। अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑर्ड रेस्टोरेंट्स, अमिल बात ने बातचीत की तेल से सने हुए एक कुश्ती करने वाले की, हु आर गेटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, जो एक दूसरे को पटक रहे थे और उठा रहे थे। ईच अदर अबाउट, एक दूसरे की ओर। आई डिडंट हैव मच टू सी, मुझे अधिक नहीं कहना पड़ा। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल आगे चला गया। आई फॉलोज कॉजली, मैंने उसका अनुसरण किया या पीछा किया। हेलो अगेन, दोबारा हेलो। ही सेड, उसने कहा, I gave him my most appealing smile. मैंने उसकी तरफ बहुत ही आकर्षक मुस्कुराहट दी। I want to work for you. मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। I said, मैंने कहा, but I can't pay you. लेकिन मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता। I thought that over for a minute. मैंने एक मिनट के लिए सोचा। Perhaps I had misjudged माई मैन, शायद मैंने अपने आदमी का गलत अनुमान लगाया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, फीड मीन्स भोजन कराना, क्या तुम मुझे भोजन करा लो। कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं पका सकता हूं। मैंने दोबारा झूठ बोला। इफ यू कैन कुक, आप पका सकते हो, देन मे बी
आई कैन फीड यू, तब मैं तुम्हें भोजन करा सकता हूं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना शीशो, वह मुझे जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर अपने कमरे में ले गया। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, कि मैं बालकोनी में सो सकता हूं। बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन भोजन जो उस रात मैंने पकाया मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत खराब होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इसे एक आवार कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे जाने के लिए कह दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उससे चिपट गया। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं बहुत ही आकर्षक मुद्रा से मुस्कुराते हुए। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, उसने हंसने में मेरी कोई मदद नहीं कर सका। लेटर, बाद में, ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने सिर पर मुझे शाबाशी दी या थपथपाया, पेटेड मी थपथपाना या शाबाशी देना। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, वह मुझे भोजन पकाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वह मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखा देगा। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, वह मुझे सारे वाक्यों को लिखना सिखा देगा। एंड एड टू नंबर्स, और संख्याओं का जोड़ना। आई वाज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ था, आभारी था। ग्रेटफुल, कृतज्ञ, आभारी। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था एक बार मैं एक शिक्षित पुरुष की तरह लिख सकूं। देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, उसमें कोई भी सीमा नहीं होगी जो मैं प्राप्त कर सकता हूं या जो उपलब्धि मुझे प्राप्त हो सकती है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करने में आनंद आता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, तब मैं अपने समय को व्यतीत करता दिन की आपूर्ति या खरीदारी करने के लिए। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी डे, सामान्य रूप से एक दिन में एक रुपये का लाभ प्राप्त करता था। आई थिंक ही नू, मैं जानता सोचता हूं कि वह जानता था। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, कि मैं इस तरह कुछ पैसा बनाता हूं। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वह इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाय फिट एंड स्टार, अनिल जैसे जैसे पैसे बनाता था या पैसे की जुगाड़ करता था। ही वुड बोरो, बोरो मीन्स उधार लेना, वह एक सप्ताह उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट, लैंड में उधार वापस करना, और दूसरे सप्ताह उधार को वापस कर देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अगले चेक के बारे में चिंतित होता था। बट एज सून एज इट अराइव, लेकिन जैसे ही ये पहुंचता या आता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह बाहर चला जाता और से सेलिब्रेट करता, एक समारोह की तरह मनाता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता है। एक क्वेर वे टू मेक ए लिविंग, यह उसका आजीविका का एक अजीब रास्ता था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट, एक शाम वह नोटों का एक छोटा सा बंडल लेकर घर आया। सेइंग, कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, उसने अभी अभी एक प्रकाशक को एक किताब बेची है। एट नाइट, रात में, आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा कि उसने चटाई के नीचे पैसे को रखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैं अनिल के साथ लगभग एक महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, केवल खरीदारी में चीटिंग या धोखे के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने
अपना कोई भी कार्य नहीं किया अथवा मैंने कोई भी चोरी नहीं की। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मुझे प्रत्येक अवसर ऐसा करने के लिए मिलती। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे दी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, मैं जब चाहूं आ सकता हूं और भाग जा सकता हूं। He was the most trusting person I had ever met. वह सबसे अधिक विश्वसनीय व्यक्ति था जिससे कि मैं मिला। And that is why it was so difficult to rob him. और इसी कारण उसे लूटना कठिन था। Later, easy to rob a greedy man. बहुत अच्छी बात। यह एक लालची आदमी को लूटना आसान है। Because he can afford to be robbed, क्योंकि वह बर्दाश्त कर सकता है, सहन कर सकता है कि लूट चुका है। But it is difficult to rob a careless person. लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत कठिन है। Sometimes he does not even notice. कभी कभार वह कोई ध्यान नहीं देता। He has been robbed, क्या वह लूट चुका है। And that takes all the pleasure out of work. और वह अपने काम को आसानी से या आनंद से कर लेता है। Well, it is time I did some real work. अच्छा, यह समय है कि मैं कुछ वास्तविक काम करूं अथवा चोरी करूं। I told myself, मैंने स्वयं कहा, I am out of practice. मैं अभ्यास से बाहर था अथवा चोरी से बाहर था। And if I do not take the money, यदि मैं पैसा नहीं लेता हूं अथवा पैसा नहीं चुराता हूं, He will only waste it on his friend. वह केवल इसे अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। After all, इसके बाद, He doesn't even pay me. उसने अभी तक मुझे भुगतान नहीं किया है या वेतन नहीं किया।